गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं तो सुबह सुबह वही उठ गई हूँ। बाहर देखिए पूरा अंधेरा है, तो मच्छर आ रहा था ना, तो इसलिए विंडो खोलने के बाद भी मैंने फिर से लगा दिया। और एक तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि इतने सुबह ना एक तो उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है, और उसके बाद आपको हाथ में आपके टाइम भी नहीं होता है। उठ के ही आपको सीधा फ्रेश होके किचन में आना होता है, क्योंकि आपको पूरा लंच बनाना है। तो मैं आज पहले ही डिसाइड करके रखी थी, तो आज मैं पनीर की करी बनाऊंगी आलू और फूल गोभी डाल के, और कुछ एक भाजी करूंगी और राइस बना के मनोजीत को ऑफिस में दे दूंगी। साथ में ब्रेकफास्ट में भी क्या बनाती हूँ देखती हूँ, रोटी बनाऊंगी सोच रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह सब कुछ काट रही हूँ, आलू काट लिया है, फिर गोभी को काटूंगी और सब कुछ काट के पहले प्रिपरेशन कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके खाना बनाऊँगी, जल्दी हो जाता है तब। तो बस यहाँ पे गोभी भी निकाल लिया, गोभी को भी काट रही हूँ। रात को ही हम लोग डिसाइड करके रख देते हैं कि क्या बनाना है, और सुबह उठ के मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। तो सब्ज़ी काटने के बाद अच्छे से धो लिया, और अभी ना मैं गोभी को थोड़ा सा पानी में बॉयल कर रही हूँ ताकि गैस ना हो खाने के बाद, और हमेशा मैं ये करती हूँ। पनीर करी बनाने के लिए पनीर को मैं थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के पहले फ्राई कर लूँगी, और बस उसके बाद सब्ज़ी फ्राई करके मसाले के साथ अच्छे से भून के करी बनाऊँगी। अब वेज जिस दिन रहता है ना, उस दिन तो और भी दिमाग काम नहीं करता, नहीं तो नॉन वेज वाले दिन तो आप फिश बना लो, कुछ बना लो, हो जाता है, एग बना लो, लेकिन वेज वाले दिन तो कुछ अच्छा बनाना भी पड़ता है, नहीं तो खाएंगे कैसे। तो पनीर एक होता है जो घर पर रहे तो ईजिली बन जाता है, तो मैं सुबह सुबह अभी वही करती हूँ, पनीर बना देती हूँ। तो बस सब्जियों को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया, और अभी मैं पानी डाल दी हूँ जितना ग्रेवी रखना है उस हिसाब से, और पनीर तो पहले ही फ्राई करके मैंने रख दिया था, अभी इसमें डाल दूंगी, और बस 5-10 मिनट उबालने के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पनीर करी हो गया है। दूसरी तरफ मैंने परवल फ्राई होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा हल्दी नमक डाल के परवल फ्राई करूंगी। लंच के लिए दे रही हूँ ना, इसलिए पनीर करी के साथ कुछ एक भाजी रहेगा तो उसको खाने में अच्छा लगेगा, इसलिए ये कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए पनीर करी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अभी ना मैं जब तक ये परवल फ्राई हो रहा है, तब तक राइस और पनीर करी मैं टिफिन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ा सा फैन के नीचे दूंगी ना, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो बस मनोजीत ऑफिस निकल गया है, उसका टिफिन दे दिया है, और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो थोड़ा सा रोटी को मैंने थोड़ा सा ऑयल में फ्राई कर लिया, चपाती जैसा, और साथ में थोड़ा सा चाय ले ली हूँ। बस अभी मैं भी बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, एग्जैक्ट 10 बज रहा है, और बस अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। सुबह मनोजीत ऑफिस जाने के बाद मैं सो गई थी एज यूजुअल, क्योंकि आप देखते हो इतना सुबह मैं उठती हूँ ना तो आँख जलने लगता है, और आधा तो सुबह मेरा खाना बन ही जाता है, थोड़ा बहुत ही कुछ रहता है, तो उतना टेंशन नहीं रहता, इसलिए मैं थोड़ा सो जाती हूँ, क्योंकि नहीं तो ना पूरा दिन काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा मतलब अजीब सा एक लगता है, इसलिए मैं एक घंटा सो गई, 8:30 से 9:30 सो गई थी। उसके बाद उठ के बस अभी चाय वाय बना के लेके आई हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद थोड़ा सा ही कुछ दाल वगैरह बनाने का है, बाकी ज़्यादातर चीज़ मैंने बना लिया है, भाजी, फिर आज पनीर करी बनाया था तो वो सब बन ही चुका है, तो इसलिए बस उतना टेंशन नहीं है। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करूँगी बैठ के, लेके आई हूँ। और कुछ दिन से ना बहुत टेंशन में चल रहे हैं, मैं इसलिए रेगुलर ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ। क्या हुआ, हमारा जो ये घर है ना, ये हमें अभी छोड़ना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा एक चीज़ होता है। जो ओनर है वो एक्चुअली, हम लोग जब घर लिए थे ना तभी से देवर इन बैंगलोर, तो वो लोग बैंगलोर में रहते थे, पहले वो लोग यहाँ पे रहते थे, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया, वो लोग बैंगलोर चले गए और हम लोग यहाँ पे मतलब आ गए, मतलब उन्होंने घर रेंट पे दिया तो हम लोग आ गए। हमारे पहले कोई और भी था, शायद एक फैमिली था, उन लोगों के बाद हम लोग आए, काफ़ी साल से वो लोग बैंगलोर में हैं, अभी 6-7 साल होगा। तो अभी ना उनका मतलब फिर से बॉम्बे में ट्रांसफ़र हुआ है, और उनकी बेटी को भी कॉलेज में एडमिशन मिला है, तो वो लोग अभी शिफ्ट करेंगे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप लोग घर देख लो, क्योंकि खुद का घर है तो वो लोग भी आके कहाँ रहेंगे, यहीं पे रहेंगे ना अपने घर पे, तो इसलिए उन्होंने बोला, नहीं तो इतना साल हम लोग यहाँ पे रहे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बहुत अच्छे से रहे हम लोग।
तो बस अभी हम लोगों को घर ढूंढना पड़ेगा, तो इसी के टेंशन में ना, और मतलब कुछ और देखना, घर ढूंढना आसान बात नहीं होता है। एक तो आपको घर तो मिल जाएगा, आप ब्रोकर से बोलोगे तो बहुत सारा घर वो लोग दिखा देते हैं, लेकिन आपके मनपसंद का घर मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप किस एरिया में रहना चाहते हो, कैसा लोकेलिटी चाहिए, क्या घर कैसा होना चाहिए, सब कुछ मिला के, तो उसी के टेंशन में ना। और मनोजीत का ऑफिस रहता है, मैं भी हमेशा अकेले अकेले हर जगह घर देखने नहीं जा पाऊंगी। ये सब सोच सोच के ना हम लोगों का इतना मतलब दिन गुजर रहा है टेंशन से, रात को भी नींद नहीं आता है। जब तक ना अच्छा एक घर मिल जाए, टेंशन फ्री नहीं हो पाएंगे, तो उसी के वजह से। और थोड़ा बुरा भी लग रहा है क्योंकि ये घर छोड़ना पड़ेगा, और इस घर के साथ बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज है, तो इसलिए बुरा तो लग रहा है, पर क्या करूँ इसी का नाम जिंदगी। जब तक खुद का घर ना हो जाए ना, तब तक ऐसे ही दूसरे के घर में खुद का घर समझ के कुछ दिन रहो, और उसके बाद निकल के फिर किसी नए जगह पे जाके अपना घर बसाओ, यही होता है। तो बस अभी प्रे कर रहे हैं कि अच्छा घर मिल जाए हमें, और उसके बाद देखते हैं कहाँ शिफ्ट होते हैं, फिर से एक नए घर को सजाना, सब कुछ पहले से स्टार्ट करना, वही है। तो चलिए, बहुत कुछ बातें हो गई, अभी चाय पी लेते हैं, और चाय वाय पी के ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं आप लोगों से मिलूंगी फिर। लंच के लिए सिर्फ दाल बनाना बाकी था, तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंग की दाल बनाई है, बन भी चुका है, और साथ में परवल भाजी तो सुबह ही कर लिया था, और यहाँ पे पनीर करी है। तो बस किचन का काम खत्म हो गया है, तो अभी मैं सारा कुछ साफ कर लूँगी, गैस स्टोव वगैरह, और बर्तन एक साइड में कर दिया है, दीदी आके धो लेंगी। बुरा ही लग रहा है, इस किचन में इतनी सारी यादें हैं, सब कुछ छोड़ के अभी जाना पड़ेगा, पर क्या करूँ। तो बस देखते देखते मेरा किचन साफ हो गया है, अभी नहा लूँगी। अभी करीब दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, नहा के आके पूजा किया, और उसके बाद अभी लंच करने बैठ गई हूँ। लंच करके थोड़ी देर मैंने एडिटिंग वगैरह किया, और फिर अभी करीब शाम के 5:30 बज रहा होगा। मुझे थोड़ा बाहर जाना था पर नहीं गई, तो मैंने सोचा यहाँ पे इतना सारा कपड़ा है तो वो सब फोल्ड कर लेती हूँ, एक काम तो ख़त्म हो। और क्या होता है ना, कपड़ा एक लॉट धुल के आता है, वो फोल्ड करते करते ना दूसरा लॉट धुलने चला जाता है, तो इसलिए इतना कपड़ा एक साथ जमा हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी मैं सारा कुछ फोल्ड करके रखूँगी, उसके बाद देखती हूँ। बाहर तो थोड़ा जाना है, हो पाएगा तो जाऊँगी, नहीं तो कल निकलूँगी, आज और नहीं निकलूँगी, अच्छा भी नहीं लग रहा है तो इसलिए। मनोजीत ऑफिस से आते वक्त ना मेदू वड़ा लेके आया है गर्मा गर्म, और मैंने भी चाय बना दिया है, तो अभी हम लोग चाय के साथ ये मेदू वड़ा लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेदू वड़ा खाना, खास करके ये बादाम की चटनी बहुत पसंद है। और अभी देखिए रात के करीब 9:30 बज रहा है, यहाँ पे पानी आया है तो मैंने वॉशिंग मशीन चला दिया है। सुबह धुलना था कपड़ा पर लाइट नहीं था इसलिए नहीं कर पाई, और थोड़ा सा बैंगन भाजी कर रही हूँ दाल के साथ खाने के लिए। अभी रात के करीब 9:45 हो रहा है, चाय वाय पीने के बाद बैठ गए थे टीवी लेके, एक नया सीरीज आया है नेटफ्लिक्स पे है शायद, भोपाल गैस ट्रेजिडी के ऊपर, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वही वाला मैं और मनोजीत बैठ के देख रहे थे। तो आज ना अचानक से रात को हमारे यहाँ पानी आया, वैसे सुबह आता है, पहले पहले जब मैं ये सोसाइटी में आई थी ना तो सुबह शाम दोनों टाइम पानी आता था, अभी रात को नहीं आता है, लेकिन आज बोल के गए कि रात को आएगा। तो सुबह मैं वॉशिंग मशीन चलाने वाली थी लेकिन लाइट चला गया था, तो इसलिए मैंने अभी चला दिया, कपड़े भी धुल जाएंगे। और एक तरफ थोड़ा बैंगन भाजी कर रही हूँ, दाल बनाया था ना तो उसके साथ खाने के लिए, और पनीर करी है ही, हम लोगों का रात का डिनर हो जाएगा, राइस बन चुका है, तो बस अभी भाजी हो जाए ना तो हम लोग डिनर कर लेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए, एंड कीप वॉचिंग बाई फोकल जिंदगी।